नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके बीच लाया हूं एक ताजगी भरी रोमांटिक पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या और उनके सफाई कर्मी पति आलोक मौर्या की एक अनूठी प्रेम कहानी जो शिक्षा और संस्कार से भरी हुई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनके प्रेम कहानी को। ऐसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये साहिबा हैं पीसीएस अधिकारी जिनका नाम है ज्योति मौर्या और इनके पति हैं आलोक मौर्या। तलाश फिल्म के गाना मुझे याद आ रही है कि मासूम चेहरा निगाहें फरेबी लबों पे हंसी और दिल में दगा, मिले पत्नी जिसको यहाँ तेरे जैसा उसे दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। मासूम चेहरा निगाहें फरेबी लबों पे हंसी और दिल में दगा है। तो चलिए इस गाने के साथ हम इसके पूर्व के कुछ कहानियों को आरंभ करते हैं। आलोक मौर्या को अमिताभ बच्चन और की एक बहुचर्चित फिल्म सूर्यवंशम का हीरा ठाकुर बनने का शौक चढ़ गया था। उन्होंने तो हीरा ठाकुर बना लेकिन उनकी बीवी राधा इस बार बेवफा निकली, इसलिए हमने इस टॉपिक का हेडिंग बनाया है कि हीरा ठाकुर की बीवी इस बार बेवफा निकली। तो यह बहुत ही चर्चित फिल्म था, उस फिल्म को लगभग सभी लोग देखे होंगे कि कैसे एक अमीर घराने का अनपढ़ लड़का उस घर में रहता है तो उसके पिताजी को प्रतिष्ठा पे पड़ता रहता है अपना बच्चा को, तो बच्चे से बोलते नहीं रहते हैं और इसको फर्स्ट स्टेज में इसको इस बेचारे को भी धोखा लगता है। इसको भी एक लड़की उस फिल्म में आती है और इसको प्रेम जाल में फंसाती है, चूँकि इसके परिवार का राजनीतिक पहुँच ऊपर तक रहता है, उस पहुँच के माध्यम से अपना शिक्षा ग्रहण करती है और वह कैरियर बना के चली जाती है और इसको फिर धोखा मिलता है। लेकिन उस जगह पूरी धोखा को यह बेचारा अपने ऊपर लेता है और टूट चुका था, तब इसकी मुलाकात राधा से होती है और राधा के दबाव में यह भागकर शादी कर लेता है, जिसके कारण इसके पिताजी इसके घर से निकाल देते हैं। जब यह घर से निकल जाता है तो यह एक बस में कंडक्टर का काम करते रहता है, फिर उसने उस कमाई से अपनी पत्नी को पढ़ाता है और यह पत्नी जब पढ़ लिख अधिकारी बन जाती है तो इस पति को बिजनेस में सपोर्ट करती है। तो एक तरफ हीरा ठाकुर का बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट कंपनी बन जाती है और दूसरी तरफ यह राधा उसी जिले में पदाधिकारी बन के आती है जिस जिले में इसका घर रहता है। अब इसी से प्रेरित होकर हमारे आज के युवा अपनी पत्नी को पढ़ाए, जैसे कि आपने देखा आलोक मौर्या का, तो इनके साथ जो घटना घटी वो देख सकते हैं आप। ये आलोक मौर्या है, इनका बयान है, इनका बयान है कि साल 2010 में उनकी शादी वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्या, देख सकते हैं तस्वीर जिस समय इनकी शादी हुई थी ज्योति मौर्या और आलोक की। 2015 में ही उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर अपनी पत्नी को आगे की पढ़ाई करवाई। ये बेचारे पंचायत में सफाई कर्मी के पद पे कार्यरत थे और जब इनकी शादी हुई थी तो यह कुछ नहीं थी, बेरोजगार थी, लेकिन पढ़ने लिखने में अच्छी खासी थी। इनकी तमन्ना थी कि हम पढ़े लिखे और कुछ बने, तो इन्होंने इनकी तमन्ना को, इनके सपने को पंख दिया, अपने जीवन भर की कमाई से पंख दिया और पंख पाकर इनकी पत्नी ज्योति मौर्या उड़ने लगी। इतनी उड़ी कि माँ की संस्कारी लाडली से पापा की परी बन गई। अब एक ऑफिसर, जब पढ़ लिख कर ऑफिसर बन गई तो ऑफिसर पत्नी और चपरासी पति, या इसको थोड़ा सा सम्मानजनक शब्द में कह सकते हैं हम सफाई कर्मी पति के, एक अनहोनी प्रेम कहानी का जिक्र देखेंगे। जब ज्योति मौर्या पीसीएस बन गई तो उन्होंने आलोक से पल्ला झाड़ लिए और तो और
उन पर दहेज उत्पीड़न के भी आरोप लगा दिए। सोच सकते हैं, एक व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी की सारी कमाई अपनी पत्नी को पढ़ाई में लगा दिया, और वह पत्नी जब पीसीएस अधिकारी बन गई तो उसने अपने पति पे दहेज उत्पीड़न का केस ठोक दिया। आलोक मौर्या का कहना है कि 220 में ज्योति की जान पहचान गाजियाबाद में तैनात जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के से हुई, तो दोनों में बातचीत होने लगी। हमें लगा कि ऊंचे पद के अधिकारी है तो आपस में बातचीत तो होंगी ही, यह कहना है आलोक मौर्या का। लेकिन साल 2022 में ज्योति अपने घर पे फेसबुक को लॉग आउट करना भूल गई और लॉग इन ही छूट गया। जिस मोबाइल को आलोक ने देखा और उसमें उसके अश्लील चैट जो उन्होंने कमांडेंट ऑफिसर के साथ की थी उसे देखकर इनका माथा ठनका। और उसी साल 22 दिसंबर 2022 को आलोक मौर्या ने दोनों को होटल मेरिट, देखिए होटल का नाम भी है, होटल मेरिट लखनऊ में रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर उनकी पत्नी को सफाई देने लायक कुछ बचा नहीं, विरोध किया तो दोनों ने मिलकर हमारे ऊपर हमला कर दिया, यह कहना है आलोक मौर्या का, और हम जान बचाकर भागे। आलोक ने यह भी बताया कि एक हफ्ते पहले मुझे फोन करके ये भी कहा गया कि स्वेच्छा से तलाक दे दो नहीं तो जान मार देंगे, मुझे आए दिन 376 में फंसाने की धमकी देती है। अब 376 समझ रहे हैं कि 376 धारा जो है वह दहेज उत्पीड़न की धारा है। तो एक पीसीएस पदाधिकारी, आप सब लोग समझ सकते हैं, एक पीसीएस पदाधिकारी है जो अपने सफाई कर्मचारी पति यानी चपरासी लेवल के पति है उनको वह धमकी दे रही है दहेज उत्पीड़न केस में फंसाने को। हम लोग भी सब लोग समझ सकते हैं कि उस पदाधिकारी के पास कमी क्या है, और जब उनकी पत्नी है तो इस बेचारे को उससे आवश्यकता क्या है लेने का, अब और यह क्या मांग सकता है, उसकी लेवल इतनी ऊपर है कि इसके औकात से अधिक तो उनकी सैलरी है, तो मांग भी क्या सकता है। तो उन्होंने झूठ मूठ का एक केस में फंसाने का प्रयास कर रहा है, किसी भी तरीके से देख रही है कि हमारा स्तर जब ऊपर बढ़ गया तो हम अपने पति से पल्ले को झाड़। आलोक ने अपनी पत्नी पर 6 लाख की वसूली का भी आरोप लगाया था, यानी उस पीसीएस अधिकारी पर उन्होंने उसका चैट निकाला, डायरी निकाला, उस डायरी को पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया, बोली कि इसने 6 लाख अवैध यानी असूली घूस ली है। लेकिन इनकी जो FIR है वह थाने से लेकर SSP रैंक तक इन्होंने देने गया, लेकिन किसी ने इनके FIR दर्ज करने की हिम्मत नहीं की और सबका सब लिपापोती में लगे हुए थे। समझ सकते हैं कि पदाधिकारी पत्नी हो और उसके पति चपरासी हो और उसको FIR कराना हो तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। हमारे आए दिन हम अपने आसपास में किसी भी व्यक्ति की एक मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है और वह बेचारा डर से अपने बचाव के लिए एक आवेदन देने जाता है तो उसको थाने में 15 दिन चक्कर लगाने के बाद, पैसे देने के बाद, तब कहीं पे जाकर उसको कॉपी मिलती है। लेकिन जबकि कहीं कोई कुछ नहीं है, कोई दबाव ऊपर से नहीं है, जबकि यहाँ पे एक PCS पत्नी अधिकारी है उसका दबाव है, तो FIR में क्या हुआ होगा हम लोग समझ सकते हैं इनके साथ। PCS अधिकारी ज्योति मौर्या ने इन सभी आरोपों से नकारा है, और जब इनसे अफेयर के बारे में पत्रकारों ने पूछा तो यह कह रही है कि मेरा व्यक्तिगत मामला है। आप सोच सकते हैं, जब इनकी शादी हुई थी, एक नॉर्मल लड़की थी, उस समय अपने पति के साथ रह रही थी, उनसे इनके साथ जुड़वा बच्चे भी है, तो वह समय बहुत अच्छा खासा चल रहा था। जब इनके पास शिक्षा थी, जब यह शिक्षित होकर एक पद को पा गई है, तब इनके पास में संस्कार कितना बड़ा है, समझ सकते हैं कि अपने अफेयर के बारे में बोल रही है कि हमारी निजी मामला है। यहीं से हमारा आता कि अपने बच्चे को शिक्षित मत बनाओ, संस्कारी बनाओ। शिक्षा 2 क्लास हम कम दे, लेकिन संस्कार उसको हम 4 कदम आगे बढ़कर दे। तो मुझे भी लगता है कि इनके परवरिश में संस्कार की कमी रही हो या नहीं रही हो, लेकिन जैसे ही यह गांव देहात से निकल के
तैयारी करने के लिए बाजार की तरफ गई तो यह जो घर में अपने घर में थी माँ की लाडली, अपने पति की दुलारी, जिस जो सभी परिवार को विश्वास में लेकर इन्होंने पढ़ने गया था, जब तक विश्वास नहीं जीतते इनको सास ससुर या पति बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते। जब ये बाहर पढ़ने के लिए गए तो इनको वातावरण ऐसा मिला होगा कि माँ की लाडली, पति की दुलारी अब बाहर में जाकर वातावरण में पापा की परी बन गई। अब अभी देख रहे होंगे हम लोग की अधिकांशतर लड़कियां अपने स्टेटस में लगाती है पापा की परी और रील वीडियो बनाकर उस पर थिरकती रहती है। तो मैं इन सभी चीज़ों को मैं नहीं कहता हूँ कि थिरके मत, वो खराब है, सोशल साइट का जमाना है, विज्ञान बढ़ रहा है, उसका उपयोग करें लेकिन दुरुपयोग ना करें। विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन हम अपने संस्कार को, अपनी सभ्यता को, अपनी कल्चर को ना भूलें। यह हमारा अपने समाज में बच्चों के बीच में मैसेज है जिसको लेकर मुझे आज आना पड़ा, जो कि मैं आवश्यक समझता था। अगर इसमें कहीं से भी किसी प्रकार की कोई भूल चूक हो गई हो तो आप सभी श्रोता लोग हमें माफ़ करेंगे, या किन्हीं लोगों को बुरा लगा हो तो उनसे पहले ही सॉरी, और चाहेंगे कि किसी भी प्रकार की सलाह आप हमारे वीडियो में कमेंट करके दे सकते हैं। अब इन एक कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, एक और कहानी है मध्य प्रदेश की भोपाल की, जहाँ पंडिताई करके बनाया एसआई, यानी एक पंडित जी थे जो जजमान में घूम घूम कर दक्षिणा से अपनी पत्नी को एसआई यानी समझिए दरोगा बनाया। जब पत्नी दरोगा बन गई तो पत्नी कहती है कि मुझे रखने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। अब सोच सकते हैं ऐसे पापा की पड़ियों आप समाज में क्या संदेश देना चाहती हो? क्या कोई पति अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहेगा? मैं यह सवाल आपके ऊपर छोड़ जाता हूं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनके ऊपर।